Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about where to add quotations and how to score maximum in drama. आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है एंड रियली बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में से पूछा जाता है सर हाउ टू ऐड quotations? Quotations को ऐड कैसे करना और किस टाइम में हम ऐड करेंगे और हाउ इट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन आवर मार्क्स. सीरियसली अब रिजल्ट आने के बाद ब्रिटिश ड्रामा की बात करें तो ब्रिटिश ड्रामा में जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए और जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आए तो वही क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं. As I've already told you guys, जब आप पेपर दे रहे हो ब्रिटिश ड्रामा का दे रहे हैं तो आपको quotations को ऐड करना है. You really guys need to make sure that आपके हर आंसर में quotation होनी चाहिए. अगर quotation वहाँ पे appropriate way में ऐड की गई है तो टीचर पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आती है जो आपके मार्क्स में दिखता है. आपने कहा सर हाउ डू आई गेट द quotation ऐड इन माई आंसर्स. सीरियसली व्हाई डोंट डॉक्टर फोस्टर हैमलेट और एनी अदर सर इट्स अ मिडसमर नाइट ड्रीम या कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं. मैंने कहा इनके अंदर हम quotations को ऐड करते हैं. वी कैन ऐड द quotation. अब ये quotations ऐड करते हैं हमारे दिमाग में क्या था. वी डू हैव समथिंग इन आवर माइंड दैट हाउ आई एम गोइंग टू गेट दैट quotation परफेक्टली. वी परफेक्टली मींस कहां पे उसको सिचुएट करना. दिमाग में कई सारी चीज आती है. पहली चीज तो क्या quotation याद की जा सकती है. Is it possible that we can learn the quotations? Yes, you can learn the quotation. तो सर कौन सी quotation याद करनी है प्लीज यही बताइए. तो इसके लिए मैंने आप सबको रेफर किया था that really it's all in my notes. मैंने notes में अलग से quotations की आपको एक अलग file भेजी है जिस file के अंदर सिर्फ उसे quotation है जो आपके drama के हिसाब से सारी के सारी quotation mention की गई है from one to last. सारे के सारे ड्रामा की quotations के अंदर है. उन quotations को आपको by heart, I repeat, by heart learn करना है. क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोटेशन लर्न कर चुके हो आप तो आपको पता है कहां पे इंप्लीमेंट करनी है. अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोटेशन सीरियसली हाउ आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट द कोटेशन इन एन आंसर. व्हेन इज अ क्वेश्चन दैट कमेंट ऑन द कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइप ऑफ दिस स्टोरी द हार्ट ऑफ डार्कनेस या कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइप ऑफ दिस स्टोरी द हैमलेट और द ड्रामा ऑफ द स्टोरी हैमलेट. कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं कई सारे जहां पे मैंने कुछ बोला तो उसके अंदर कई सारे पॉन्स और कॉन्स होते हैं. मेरा आंसर लिखने का तरीका क्या होगा मैं उसको कैसे ऐड ऑन करता हूं. दिस कोटेशन प्लीज गिव टू मी. देयर आर आल्सो कोटेशन जो हमारे दिमाग में होती है जो हमें याद करनी है. अब उन कोटेशन को हम कैसे यूज करते हैं और किस तरह इन एप्रोप्रिएट वे उसको ऐड ऑन कर सकते हैं ये देखना जरूरी है. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट यहां हमारे पास जिस प्ले के अंदर कई सारी चीजें दी गई है ये कोटेशन हमें ऐड करनी है. The text of the play, the first thing जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि how I'm going to add this. The first question आता है सर आपको सीधा play in a play, comment on play in a play from Hamlet. आपको Hamlet में play in a play के concept को clear करना है. तो murder of Bosango, guys really must remember that the murder of Bosango ये कहाँ है Hamlet में. अब Hamlet में मैंने और याद करने जैसे कि The fairy queens come the angel. अब यहाँ पे किसके लिए था? It was being said by Horatio when there was a body of Hamlet lying there. तो उसने statement बोल की थी. And there was a statement that was being quoted by Hamlet at the graveyard when Ophelia was being buried. तो वहाँ उसने that really I love Ophelia more than 11,000 brothers like you. ये statement Hamlet ने बोल की थी. तो मुझे इन स्टेटमेंट्स को दिमाग रखना है. सर दी स्टेटमेंट नोन एज द कोटेशंस फॉर ब्रिटिश ड्रामा. तो मेरी एप्रोप्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज. सेकंड याद रखें एक आंसर में कितनी कोटेशन ऐड होंगे सकते हैं. ट्राई टू ऐड मैक्सिमम 2 to 3 इन अ सिंगल आंसर. किसी भी आंसर में 2 से 3 कोटेशन डालना मोर देन इनफ है ये हमें याद रखना होगा. अब मैंने कहा सर मैंने ऐसे में हैमलेट लिखा इसको यहां से मूव करते हैं. हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोटेशन की. अब ये quotations क्या रोल प्ले करती हैं ब्रिटिश ड्रामा में. आपने कहा सर ब्रिटिश ड्रामा में मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं और quotations क्या रोल प्ले करती हैं इनके बारे में थोड़ा तसल्ली जान लें. यस वेट अपना ब्रिटिश ड्रामा वेट अपना ब्रिटिश ड्रामा जहां पे quotations को ऐड किया जाता है. अब quotation है क्या पहले क्लियर सर. देयर इज मैंने आपको असाइनमेंट दिया होगा quotation का. यस सर अगर आप उसको देखें
कोटेशन में मैंने आपको सारे के सारे प्ले वाइज आपको कोटेशन डिफाइन की, जो मैं अभी फिर क्लियर कर रहा हूँ विद इन डे और टू मैं वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने जो जो कोटेशन हाईलाइट किए हैं। डेफिनेटली आप सबको बताऊंगा जिनके पास नोट्स नहीं है वो कोटेशन सुन लेंगे, शायद सारी ना हो लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा जितनी हो पाएगी आई ट्राई टू वर्क आउट विद ऑल यू गाइस। अब आपने उनको ऐड करना है अपने आंसर में, वो ब्रिटिश ड्रामा में क्यों अलग से लिखना चाहिए। गाइस प्लीज इस पॉइंट को ध्यान सुनिएगा, ब्रिटिश ड्रामा के आंसर में हमें क्या ध्यान रखना है, नैरेटिव टेक्निक का। You guys need to clear the narrative technique. सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ड्रामा का आंसर लिखते हैं नैरेटिव टेक्निक लिखना। And along with that, you guys need to be in reported form. आपका आंसर रिपोर्टेड फॉर्म होगा। The first thing, ब्रिटिश ड्रामा, sir, narrative technique, reported form, and then we do need to add. कोटेशन wherever required, जहां भी रिक्वायर होगी वहां आप कोटेशन को ऐड करना नहीं भूलेंगे। यू गाइस रियली नीड टू रूल आउट ऑल दी कोटेशन जहां वो जरूर होती। अब क्या सर हमारे पास डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या ड्रामा में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पूछ दिया गया द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स या मेफिस्टोफेलीज या मैं बात करूं वेटिंग फॉर गॉडॉट से कोई ले लिया गया, क्या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। Chances are there, seriously chances are there. But क्या question manifold में आ सकते हैं, क्या घुमा के question दे दिया जाएगा और हम उस answer को judge कर पाएंगे। कौन सा way है जिसमें हम best answer देंगे? As Maxim Soda beam referring the reference book जो हमें available है ignore की, वहाँ से answer सीधा copy paste कर देते हैं। तो सर marks भी हमारे पास आते हैं 40, 42, 48 ये marks आते हैं। तो that is the reason आप लोगों को number नहीं आते। कि आप लोग आंसर वहां से याद करते हो वही आंसर वहां पे आप कॉपी पेस्ट करते हो, आपको हमेशा क्वेश्चन में चेंज करके लाना चाहिए। यू गाइस रियली नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे मैं आपको क्लू दे रहा हूं जिसको आप फॉलो करेंगे, जो आपके दिमाग में होना चाहिए हर आंसर लिखते हो। तो दिस क्लास इज ऑल अबाउट हाउ टू एड कोटेशंस, व्हाई डू वी नीड टू राइट डाउन इन अ परफेक्ट मैनर, व्हाट द बेस्ट वे टू राइट डाउन आंसर ऑफ ब्रिटिश ड्रामा एंड द स्ट्रेटजी to score maximum in British drama. तो उसके लिए आपको follow करना है dict. Please make sure ये dict की full form आपको on time होनी चाहिए. This is not dance area dance. This is all about defining the basics of questions. Question के basic define करने हैं आपको. पहला आप जब भी question पढ़ते हैं ना आपको उसको analyze करना है. आप question को समझ पाते हैं कि question actually है क्या. What is actually the question? वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कैसे लिखेंगे आंसर, वो लिखने का तरीका क्या होगा, What be the best way to write an answer? And then I, that is implementation. यहाँ इस implementation में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आंसर की implementation क्या है, हम आंसर फाइंड कर रहे हैं। मैंने आपको बोला quotation बिल्कुल ठीक है आपने बनाई, लेकिन अगर आप उसकी implementation सही नहीं की, अगर आपने उसको प्रॉपर वे में कहीं पर नहीं डाला जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट थी वहां आपने वो quotation डाल दी, guys it will go against you. टीचर लगे मुझे से हंटा मार गया है वो वहां लगा रहा है, मेरे को आंसर की एप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से कोटेशन वहां डालना है, ये सबसे मौजूद है। एंड देन लास्ट दैट इज डिमांड्स। सर आप अपने आंसर से क्या चाह रहे हैं, यहां आपका आंसर है, इट्स योर आंसर, यू गाइस आर गोइंग टू राइट योर आंसर एंड यू रियली वांट लीस्ट 90% दैट पर्टिकुलर आंसर। तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी डिमांड्स काउंट होती हैं कि आप उस आंसर में क्या चाहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए या अगर ये सारी चीजें हैं तो मैं इसको डील करूंगा। इसके लिए एक सैंपल आंसर लेके आऊंगा जो मैं अपने असाइनमेंट से आपको लाकर पूरा दिखाऊंगा विद इन 1 or 2 days, जहां वीडियो में डिफाइन करोगे आंसर ऐसा होना चाहिए। दिस इज वे टू राइट योर आंसर ब्रिटिश ड्रामा। तो सर यहाँ पे दिमाग में रखने वाली चीज कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से बेसिस हैं जो दिमाग में होने चाहिए एंड हाउ कैन वी स्कोर मैक्सिमम, दैट इज द पॉइंट जो दिमाग में होना ही चाहिए। तो गाइस तीन चार चीजें हमने डिस्कस की क्लास के अंदर। फर्स्ट कोटेशन इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कोटेशन आंसर में लिखने से हमें नंबर ज्यादा मिलते हैं और अगर नंबर ज्यादा मिलते हैं तो हमें कहां पे कोटेशन अप्लाई करना चाहिए और कितनी कोटेशन याद करें, हाउ मेनी कोटेशन वी शुड लर्न फॉर अ पर्टिकुलर ड्रामा, 5, 7, more than enough, 7 are more than enough.
सेवन पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे, साथ किसी भी ड्रामा से अगर कोटेशन वांट टू बोल दिया आपको बाय हार्ट दैट इज मोर देन अ देन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग द वे टू राइट द आंसर ब्रिटिश ड्रामा आपको कैसे लिखना है हमेशा याद रखिए पहले नेगेटिव टेक्निक को दिमाग में रखना आपने सेकेंडली आप रिपोर्टेड फॉर्म पे ध्यान देंगे इट्स अ रिपोर्टेड स्पीच सीरियसली क्योंकि वहां वो ड्रामा लिखा जा चुका है आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन नॉमिनेट है हमारे पास एंड द लास्ट कोटेशन को कहां ऐड करना है I hope guys आप इसको फॉलो करेंगे and those don't have my notes please नंबर मेरे पीछे दिया हुआ है उस पे व्हाट्सएप डालेंगे and get your notes and make sure first you have to pay for notes then the notes will be dropped on your email id till then keep watching guys क्योंकि कई सारी वीडियोस अभी बाकी